ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में एक बहुत तगड़ी बढ़िया से प्लान करके हाइस्ट करी थी, जिस हाइस्ट में हमें ढेर सारा गोल्ड, कैश, डायमंड्स और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक छोटा सा मिनी गोल्डन मंकी स्टैचू मिला था, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस हाइस्ट को करने का मेन रीज़न ये था कि आप लोग को पता होगा अपना जो नया वाला शोरूम है थोड़े दिनों में वो भी बनने वाला है, और उस शोरूम के लिए हमें ढेर सारी कार चाहिए और ढेर सारा पैसा चाहिए ताकि उस शोरूम को हम लोग और अच्छे से बनवा पाए। और जो अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड है, उसका जो भाई है, वो अपनी सारी गाड़ियां लॉस सैंटोस लेकर आया हुआ था उन्हें बेचने के लिए, और उन कार्स को मुझे खरीदना था। बट यार, उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। मतलब वो तो अपनी तरफ से उन कार्स को हाफ प्राइस में बेच रहा था, बट मुझे जो जो कार्स चाहिए थी ना, उन कार्स का जो हाई प्राइस था वो भी बहुत ज्यादा था। सारे इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले तो मुझे अपने शोरूम के लिए निकलना है, ये देखने के लिए, पुराने वाले शोरूम के लिए नहीं, नए वाले शोरूम के लिए, और वो भी ये देखने के लिए कि आखिर वहां पर कितना काम कंप्लीट हो चुका है। डायमंड्स भी है, सारा पैसा भी हमने लेस्टर के पास रखा हुआ है। लेस्टर धीरे धीरे करके उन्हें जैसे जैसे दूसरी दूसरी कंट्रीज में बेचेगा, और उसके बदले हमें मिलने वाला ढेर सारा कैश। तो आज जाकर मुझे वहां से थोड़ा बहुत कैश भी लेना है, और सबसे पहले तो देखते हैं शोरूम में आखिर कितना काम हो चुका है, उसके बाद हमें आगे पता चलेगा। बाकी हाँ यार, बस एक बारी वो गाड़ियां मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता। वो जो कार हमें चाहिए थी वो लास्ट टाइम में मिल नहीं पाई थी, क्योंकि जब मैं सारा पैसा लेकर वहां पर पहुंचा तब वहां पर आ गई थी FIB, वो भी मुझे अरेस्ट करने के लिए। उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, स्वैट सोल्जर्स भी आ गए थे, टेररिस्ट भी आ गए थे, और दोनों मिलके मुझे पकड़ना चाहते थे। नहीं नहीं, मेरे को वो मारना चाहते थे, और ये हरकत मुझे नए वाले मिलिट्री कर्नल की लग रही है। फिलहाल छोड़ो, जैसे तैसे हम लोग वहां से बच गए थे, सही टाइम पे ट्रैवर वहां पर आ गया था, और डील वील तो हो नहीं पाई। अच्छी बात यह है कि हम लोग वहां से बच कर निकल गए, और सारा पैसा भी। मुझे लेस्टर का एक कॉल आया था, जिस कॉल को सुनने के बाद ना मुझे थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है एक चीज को लेकर। आप लोग को पता होगा कि लास्ट टाइम ना गाइस, हमने अपने बगल से 5 से 6 रेंज रोवर जाती हुई देखी थी, और वो जो गाड़ियां हैं मेरे हिसाब से बिग माफिया के भाई की थी। और लेस्टर का भी रात को मेरे को कॉल आया, और उसने मुझे बताया कि शायद से जो बिग माफिया का भाई है ना, वो जेल से छूट चुका है। वैसे वो जेल में था ही नहीं, वो एक सबमरीन में था, और वो सबमरीन भी पूरे डीप अंडर वाटर में थी। पता नहीं वो कैसे बाहर निकल गया। बट हाँ यार, आपको पता है न्यू मिलिट्री कर्नल चेंज हुआ है, और जो पुराना वाला मिलिट्री कर्नल था उसने मुझे कहा भी था कि हो सकता है जो नया वाला मिलिट्री कर्नल है ये बिग माफिया के भाई हो। बट 100% श्योर नहीं है, क्योंकि वो जो सबमरीन है उसकी लोकेशन भी मिलिट्री कर्नल के अलावा किसी को नहीं मालूम थी। हो सकता है एक दो मिलिट्री सोल्जर को और मालूम हो, बट 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा अपने शोरूम के लिए। वैसे हाँ, उस कार में ना एक फुटेज आई है जिसमें वो हमें नजर भी आ रहा है, बट वो 100% नहीं कह सकते कि वही है, क्योंकि यार जरूरी थोड़ी है कि 6 रेंज रोवर उसी पे हो, और किसी पे भी हो सकते हैं भाई। इतने सारे VIP बंदे रहते हैं अपने लॉस सैंटोस में। यार छोड़ो, कोई टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर बिग माफिया का भाई छूट भी गया होगा तो देख लेंगे क्या करना है। वैसे सीधी सी बात, अगर वो छूटेगा ना तो भाई अपनी दुश्मनी जरूर निकालेगा हमसे बदला लेके। वैसे गाइस, वो चोरी करने के बाद अपने पास इतना ज्यादा पैसा आ चुका है कि हम लोग चाहे तो एक नया घर भी खरीद सकते हैं। बट हाँ, लॉस सैंटोस में नहीं, क्योंकि यार यहां पर तो अपने पास ऑलरेडी एक इतना ज्यादा बड़ा विला है, हमें कोई दूसरा घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं पता है क्या सोच रहा हूं कि क्यों ना हम लोग इन पैसों से लिबर्टी सिटी में, और वो भी किसी बढ़िया जगह पर, एक बढ़िया सा घर खरीद लें, जैसे अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड का। आपने देखा ही था उसका जो घर है, मतलब कितना ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा था। तो कुछ उस टाइप का एक घर मैं भी खरीदने की सोच रहा हूँ, वो भी लिबर्टी सिटी में। बट मेरे हिसाब से वहाँ पर जो घर का प्राइस है वो यहाँ से x3 होगा। भले ही वहाँ पर गाड़ियाँ सस्ती है, बट घर नहीं सस्ते होंगे, क्योंकि वो सिटी बहुत ज़्यादा महंगी है। चलो कोई नहीं, देखते हैं मुझे वहाँ पर घर लेना चाहिए या फिर नहीं। आप लोग मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। फिलहाल अभी हम लोग अपने शोरूम से ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी गाड़ी भगाते हैं यार, इतना टाइम के लिए, क्योंकि गाइस आज ना एक हमारी बहुत तगड़ी रेस है। ओ, एक सेकंड भाई, यहाँ पर पत्थर वत्थर भाई बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। साइड से मैं पहले जल्दी से ना भाग कर निकल लेता हूँ। तो हाँ गाइस, मैं ये कह रहा था, आज अपनी एक बहुत तगड़ी रेस है, वो भी फ्रांस में। तो हमें पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा, और उस रेस को जीतना, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जो लोग उस रेस के अंदर टॉप 3 आएंगे उनको बहुत तगड़ी तगड़ी लग्जरी कार्स मिलने वाली है। और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कार्स मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम लोग उस रेस में टॉप 3 आते हैं तो हमें वर्ल्ड की नंबर 1 रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। मींस वहां पर अपनी एंट्री हो जाएगी, जो कि यार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे उस रेस में पार्टिसिपेट करके टॉप 3 आना ही आना है।
तो फटाफट से गाइस सबसे पहले अपने शोरूम के लिए निकलते हैं, बैनी से कुछ पूछते हैं किस टाइप की गाड़ी वगैरह ले जानी चाहिए ताकि हम लोग उस रेस को कुछ भी करके जीत के आए। अब ये थोड़ी है कि भाई हर रेस में सुपर कार ही ले जाएं, वैसे अपनी लैम्बोर्गिनी शान बहुत तगड़ी है बट रेस थोड़ी खतरनाक सी हुई तो सीन अलग हो जाएगा, इसलिए पहले चलते हैं बैनी के पास, उससे बात करते हैं और देखते हैं क्या। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 1.2 मिलियन लाइक्स के लिए। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड फटाफट से आए तो जल्दी से लाइक गोल कंप्लीट कर दो, और हाँ यार चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।